मैं जमील अहमद किसी जागरण सुल्तानपुर से। ये किसान भाई हैं, इन्होंने आलू की बुआई किया है लाइन द्वारा, ये देख सकते हैं आप लोग। और इन्होंने बताया कि हमें इसमें बीच बीच में एक लाइन छोड़ करके कद्दू का बीज डाला हुआ है, और जब ये आलू की खुदाई हो जाएगी तब इसमें जो है अंकुरण हो जाएगा, शायद हो सकता है 4-5 इंच का पौधा भी हो जाए जब तक। तो आलू के बाद इतना कद्दू लेने के बता रहे हैं, अब इसका रिजल्ट क्या होगा तो बाद में पता चलेगा। और ये इसमें इससे पहले उन्होंने धान की खेती किया था, धान की क्रॉप कटिंग हो जाने से के बाद फिर अच्छी तरीके से इसकी जुताई किया, गहरी जुताई किया, नॉर्मल जुताई किया। मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो है पोल्ट्री फार्म का खाद यूज हुआ है, और ये किसान सिर्फ पोल्ट्री फार्म का खाद यूज करते हैं। और हमारे इलाके में तो ये प्रचलन चलता आ रहा है कि गड्ढे में पहले पोल्ट्री फार्म का खाद भर दिया जाता है, उसकी उसको जब उसका सड़ जाता है जब, तो उसका जो है टम्पर निकल जाता है, उसके बाद किसान यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है कि हमारे इलाके में पोल्ट्री फार्म भी बहुत है, इसलिए जो उसकी खाद का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग भी इसे ही करते हैं, पहले बड़ा सा गड्ढा खुदवा करके उसमें जो है भर देते हैं, जब सड़ जाता है खुद तो उसी को इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए आलू को बॉय करने के बाद एक पानी उन्होंने दे भी दिया हल्का, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खेती किया हुआ है। और अभी इसका अंकुरण नहीं हो पाया है, अब 15-20 दिन के बाद पता चलेगा कि जो उन्होंने कद्दू की खेती किया है इसके अंदर उसका रिजल्ट कैसा आता है। ये किसान भाई जो जागरूक हैं, बहरहाल मौके पर नहीं है वो, और पानी यहाँ दूर है वो, देखो वो पाइप द्वारा इसकी सिंचाई किए थे, उसी की लपेटाई कर रहे हैं। चल भाई ठीक है जी, धन्यवाद।